बहुत अच्छा है। ये सनातन धर्म के प्रति भारत देश के सनातनियों का एक स्पष्ट अभिमत है, हम इसका स्वागत करते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के जो दर्शनी तहखाने में पूजा हो रही थी उस पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो जो स्थान है वहाँ पहले भी पूजा होती थी और आगे भी पूजा जारी रहेगी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तथ्यों के आधार पर ही कहा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से अगर खड़े होते वहाँ तो अनुरोध करते कि पहले भी वहाँ पूजा होती थी, आज फिर से शुरू हो गई है, आप उसको रोक नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप उचित कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन बिना किसी कारण के हमारी पूजा को जिसने बाधित किया उसके लिए भी तो कुछ आप शब्द बोल दीजिए, उसको भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। क्या आप बिना किसी कारण के आ जाते हैं और आकर के हमारी पूजा के स्थान में ताला लगा करके और चाबी रख लेते हैं और हमारे लाख अनुनय विनय करने पर भी आप कुछ नहीं करते हैं? ऐसा अगर कभी कोई करे, चाहे वो कोई पार्टी करे, चाहे वो कोई प्रशासन करे, तो उसके बारे में भी कुछ शब्द अगर आ जाता या भविष्य में आ जाए तो हमको लगेगा कि पूर्ण न्याय होगा। क्या आप तो वादी भी हैं, आपने कहा था आदि विश्वेश्वर की भी पूजा होनी चाहिए, आप कई बार प्रयास भी कर चुके हैं? देखिए, हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं और कब तक आखिर तारीख पे तारीख होगी, किसी दिन तो सुनवाई करनी ही पड़ेगी, तो हम तैयार हैं किसी भी दिन, जिस दिन न्यायालय चाहेगा कि अब सुनाइए, हम सुनाने के लिए तैयार हैं। और हमको पता है कि जो प्रमाण, जो तर्क, जो वहाँ पर आवश्यक बातें हैं जब हम पटल पर रखेंगे तो उसको न्यायालय सम्मान देगा। महाराज जी, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा है, उसको उठाना चाहिए, क्योंकि कई लोग, अभी प्रवीण तोगड़िया ने भी कहा कि ये सनातन धर्म संस्कृति का अपमान है अगर इस तरह के मुद्दे चुनावी मंच से उठाए जाते हैं या चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इस देश की जनता के मन के जो भी मुद्दे हैं क्यों नहीं उसको चुनाव में उठाया जाए। आखिर हमारी भावना को ही आधार बना करके तो सरकारों को सत्ता में आना है, तो हमारी जो भावना हो उस भावना को हम स्पष्टता के साथ उभारें और राजनीतिक दल उसको हमको उसको स्वर दे, वही राजनीतिक दल सत्ता में आएगा, तभी तो हमारे अनुसार का व्यवहार होगा। तो इसलिए अगर राम जन्मभूमि का मामला लोगों के हृदय में है तो वो क्यों नहीं मुद्दा बनना चाहिए। क्या लगता है कि उसका कोई लाभ भी मिलेगा इस राम मंदिर के? भाई, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो रणनीति के ऊपर होता है। अच्छे से अच्छे बहुत बड़े कीमती रत्न हैं ऐसे लोगों के पास है जो समझते ही नहीं कि हमारे पास रत्न है, तो उनको उसकी कीमत नहीं मिल पाती। और बहुत से रंगीन कांच हैं जिनको अच्छी तरह से प्रस्तुत करके बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं, तो ये तो बेचने वाले के हुनर पर निर्भर करता है, ये मूल्यवत्ता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई भी मुद्दा हो जो जन जीवन से जुड़ा हुआ है, जन भावना से जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं वो उसको उठाया जाना चाहिए। आखिर इलेक्शन होता ही इसीलिए है कि लोक भावना को प्रश्रय देने वाला जो दल है वो सत्ता में आ जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के आरोपों से घिरे हैं, उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि रामायण और महाभारत सहित कुल 3 पुस्तकें उनको जेल में रखने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, क्या कहेंगे? एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि जब हमारे पास समय हो तो हमको सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करने के बारे में उनके विचार हैं, ऐसा समझते हैं हम और उनकी इस मांग का अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिरे हुए हैं। हाँ ठीक है ना, तो जब ये सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे तभी तो उनकी आत्मा सात्विक बनेगी, तभी तो वो भ्रष्टाचार से भी अगर किया होगा तो दूर रहेंगे। सदग्रंथों का वाचन करने से ही व्यक्ति में भ्रष्टाचार के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, नहीं तो नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो अच्छा है, सद्बुद्धि भी तभी आती है। महाराज जी, अंतिम सवाल है, क्या लग रहा है कि जो योगी सरकार है वो भी, योगी जी खुद एक बहुत बड़े गोरखपीठ के महंत हैं और जिस तरह से उन्होंने सत्ता शासन संभाली है, माफियाओं पर नकेल कसते चले आ रहे हैं, एक के बाद एक माफिया का अंत होता चला रहा है, अभी हाल ही में एक नाम आपने सुना होगा मुख्तारन साहब को लेकर, तो कितनी सफल है माफियाओं पर लगाम लगाने में योगी सरकार? देखिए, लगाम लगाना एक अलग चीज़ है और नाम निशान मिटा देना एक अलग चीज़ है। लगाम लगाने का मतलब है कि माफिया के ऊपर दोष साबित हो जाए और साबित होकर के कानून के अनुसार घोषित सजा वो भोगे,
इसका मतलब तो है कि लगाम लगी और वो ख़त्म हो जाए। ये तो गैंगवार में भी हो जाता है, जब दो दो गैंग लड़ते हैं तो एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, तो समाप्त कर देना एक अलग वस्तु है। हम ये चाहते हैं कि माफिया के ऊपर कार्रवाई हो, पकड़े जाएं और ट्रायल तेज़ी से चले, तत्काल उनके मुकदमे सुने जाए, ताकि जनता को ये रहे कि इनके ऊपर तेज़ी से मुकदमा चलता है और अगर दोषी होते हैं तो कानून के अनुसार सज़ा होती है, तो सज़ा तो होती नहीं है और इस तरह से उनका अंत हो जाता है, तो ये उतना उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर उनको न्यायालय मुकदमा चला करके दोषी पा करके दंडित करती है और वो दंड भोगते, वो हमको पसंद आता। जी, जुडिशियल कस्टडी में इस सरकार में बहुत सारी मौत हुई, कई माफियाओं की मौत हुई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये जांच का विषय होता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मृत्यु तो कभी भी किसी की आती है, अगर उसमें कोई कारण है तो वो एक अलग बात है, अन्यथा मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, कस्टडी में हो तब भी हो सकती है और घर में सोते हुए भी हो जाती है, बैठे हुए भी हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई शंका है कि इनकी मृत्यु किसी कारणवश हो गई है, इसके पीछे प्रयास किए गए हैं, षड्यंत्र किया गया है, उसकी जांच करवा लीजिए, तो जांच के लिए आदेश हो ही गए हैं, हमने सुना। सीबीआई जांच भी होनी चाहिए क्या? अरे जो भी जांच हो, कोई तो जांच हो, कुछ तो निकल करके आए। सीबीआई का मतलब ये थोड़े है कि सब सीबीआई सही ही हो जाता है, कोई तो जांच हो, कुछ तो उसका एक मिले सुराग। अगर कोई भी जांच होगी तो जो भी जांच होती है, जांच अधिकारी, जब एक व्यक्ति जांच अधिकारी बनता है तो कुछ उसके अंदर जागृत हो जाता है कि मैं जांच अधिकारी हूँ, बहुत कुछ गलत नहीं करता है, फिर वो जांच अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो हम आशा करते हैं कि कोई भी जांच होगी उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो निकल के आएगी, और नहीं गड़बड़ी होगी, केवल आरोप होंगे, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा।